साधना में तरक्की की राह में आने वाले अवरोधों ने हटाने के उपाय बताने वाले, भक्तों को स्वयं का दूसरों का परमार्थ बनाने के सरल उपाय बताने वाले, शाकाहार नशा मुक्ति सदाचारिता के पक्षधर, प्रभु के साक्षात अवतार जिन्हें जिनकी पार को लोग अभी पूरी तरह पहचान नहीं पा रहे हैं, समय के पूरे समर्थ संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी ने 28 मई सायकालीन उज्जैन आश्रम में दिए यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव UKM पर प्रसारित लाइव संदेश में बताया, प्रेमियों संकल्प बनाओ, रोज नए लोगों को समझाएंगे, अगर कोई मांसाहारी अपराधी बदल गया तो उसका फायदा बोनस आपको मिलेगा। जैसे आप पेड़ लगाओ उसकी सिंचाई रखवाली ना करो तो उसमें फल नहीं लग सकता, ऐसे ही जो पेड़ आपने लगाया जिसे नाम दान दिलाया अगर उसकी संभाल आप करो, उन्हें सिमरन ध्यान भजन समझाओ। मांसाहारी मानव मनुष्य तो है लेकिन राक्षस का रूप अंग है, मांसाहारी का साथ मांस पकने वाले बर्तन में खाने से भजन में बाधा आती है। ये सब चीजों को आप जब बताओगे, खुद भी ध्यान रखोगे, तभी आप कामयाब हो पाओगे। सोच के जाओ, संकल्प बना के जाओ कि हम एक एक दिन में दो ही दो चार चार आदमियों को समझाएंगे, तो 10 को समझाओगे तो 2-4 के समझ में तो आ ही जाएगा। और कोई मांसाहारी है, कोई अपराधी है और वो अगर बदल गया तो क्या उसका बोनस आपको नहीं मिलेगा? मिलेगा, उसका फायदा आपको मिलेगा। आप देखो कि नामदान यानी समझो के लोगों को दिलाते हो, नामदान लेकर के लोग चले जाते हैं, फिर तो बस यही सोच लेते हो कि बार झोंक कर भार में और रहीमन उतरा पार, अब तो हमने पहुंचा दिया, अब नामदान लेने वाला जाने और देने वाला जाने। अरे अब तो काम आपका शुरू हुआ है। आप किसी पेड़ को लगाओ और उसकी सिंचाई न करो, रखवाली उसकी न करो, तो उसमें फल लगेगा? फल नहीं लग सकता है। ऐसे जो पेड़ आपने लगाया है, एक आदमी को नामदान आपने दिलाया है, अगर उसके संभाल नहीं करोगे, उसको सुमिरन ध्यान भजन अगर आप नहीं समझाओगे तो वो पेड़ सूख जाएगा। फिर जानवर जिसको कहते हैं, जानवर आते हैं, रखवाली न करो तो खा लेते हैं, तो ऐसे आदमियों में भी जानवर होते हैं, मन खराब करने वाले होते हैं, वो अपनी टीम में भर्ती करने वाले उनको मिल जाते हैं, तरह तरह की बुराइयां बताते हैं, तो ये मन यानी समझो इतना कमजोर हो गया कि एक जगह पर ये मजबूत नहीं रह पाता है, दृढ़ नहीं रह पाता है, बस मन इधर के बजाय उधर लग गया। अब हाथी पर बैठने के बाद वो फिर गधे पर सवारी कर लिया। इसलिए देखने और संभालने की जरूरत है। अब मोटी बात आप ये समझो कि सब लोग मान लो इसके मतलब को नहीं समझ पा रहे हो, तो सीधी सरल भाषा में आप ये समझो कि जिन लोगों को आपने नामदान दिलाया है उनको आपको सुमिरन ध्यान भजन समझाना है, और जब तक अंतर में उनको फल न मिलने लग जाए, कुछ दिखाई सुनाई न पड़ने लग जाए, तब तक उनको छोड़ना नहीं है। छोड़ दोगे तो फिर भटक जाएंगे। बराबर उनको याद दिलाओ कि कहा गया था वहां मंच से कि मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, तेज नशे की चीजों का सेवन मत करना। अब वो इसको जब छोड़ेगा और भजन करने लगेगा और थोड़ा बहुत रस मिलेगा, बाधा जब आएगी तब आपसे कहेगा कि भाई बाधा आ रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तब कह देना कि भाई खान पान तो तुम्हारा, मांस तो ठीक हुआ, मांस तो तुम खाते थे छोड़ दिया, लेकिन मांसाहारी के साथ अनेक बैठ करके खा लेते हो, मांस पकने वाले बर्तन में खा लेते हो, मांसाहारी का साथ कर लेते हो, तो ये बाधा आ जाती है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, इनकर संगत जो करे पड़े भजन में भंग। कहा उन्होंने की मांसाहारी मानवा मनुष्य तो है लेकिन राक्षस का यानी समझो रूप है, वो उसका अंग है। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, राक्षस जो होते हैं यानी आप ये समझो कि जैसे भूत प्रेत राक्षस जिन पिशाची होते हैं, ये कभी दिखाई पड़ते हैं, इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सामने जो हो कहता है ये प्रत्यक्ष हैं, तो वो उन्हीं के रूप होते हैं, उन्हीं जैसे ही होते हैं। तो कहा इनकर संगत जो करे, इनका साथ जो करे, तो भजन में बाधा आती है।
तो इन सब चीजों को जब आप बताओगे और खुद भी इन चीजों का ध्यान रखोगे तभी आप कामयाब होगे। आप अगर किसी चीज का ध्यान नहीं रखोगे, कहोगे कि भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, खुद नहीं बैठोगे, कहोगे ही कहोगे, तो उसका असर नहीं पड़ेगा। तो यदि फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव TV। नमस्कार।